मध्य प्रदेश की पर्यटन व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि आतंकवादी व कट्टरवादी मदरसों में पले बढ़े हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की फैक्ट्री बनाकर रख दिया। राष्ट्रवाद में बाधा डालने वाले मदरसों को राष्ट्रहित में बंद होना चाहिए। असम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां ऐसा करके भी दिखाया गया है। असम में मदरसे बंद हैं। जो मदरसे समाज को राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ सकते हैं, उन्हें समुचित शिक्षा से जोड़कर समाज की प्रगति के लिए आगे लाना चाहिए। मंत्री उषा ठाकुर ने सामूहिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थी एक समान होते हैं। धर्म आधारित शिक्षा से कट्टरता पनप रही है और विद्वेष का भाव फैल रहा है। वक्फ बोर्ड एक सक्षम संस्था है। मदरसों की शासकीय मदद भी बंद होना चाहिए। यदि कोई निजी तौर पर धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसके लिए छूट देता है। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि आदिवासियों से कोई हिंदू नहीं लिखवाएगा, जबकि वे अनादि काल से हिंदू हैं। कमलनाथ सरकार के फैसलों पर आपत्ति लेते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ मंदिरों की आय पर टैक्स लगा दिया गया है और मदरसों को राहत देते रहे हैं। कांग्रेस ने देश की एकता को खंड खंड करने की नीति बनाई थी। ध्यान में तो मिलना चाहिए, भोजन सबके लिए मिलना चाहिए, पर ये जो संविधान की अलग परिभाषा करना, बच्चे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं, इसलिए मैं तो कि भाई सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था, तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीज़ें राष्ट्रहित में बंद होनी चाहिए। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।